हरियाणा से हैं सतीश जी, स्वागत है आपका। सतीश हेलो। जी हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैम, मेरे ना एक्चुअली 2 साल से ना एलर्जी है। हाँ एलर्जी? कैसी एलर्जी? जी, एलर्जी है मैम। जैसे ना धूल मिट्टी से, मतलब वैसे भी लगा लो आप, बिना धूल मिट्टी के छींक वगैरह चलते हैं और नाक से बहुत ज्यादा पानी बहता है। 2 साल से एलर्जी है और 4 महीने पहले TNS का ऑपरेशन हुआ था मैम। एलर्जी है अब भी बहुत ज्यादा, उम्र कितनी है छींकें चलती आपकी? है। उम्र है मैम 27 साल। काम क्या करते हैं आप? काम मैम मैं जॉब करता हूँ। हाँ चलिए ठीक है जी। जी। देखिए, डस्ट एलर्जी भी अजीब चीज़ है, आदमी की ज़िंदगी साथ ऐसे जुड़ जाती है, फिर उससे हटने का नाम नहीं लेती। और अगर हम ये समझ लें कि ये हमें क्यों होती है और किस चीज़ का इलाज करना चाहिए ताकि ये एलर्जी ख़त्म हो जाए, डस्ट एलर्जी हो या छींके आती हो, पानी नाक से जाता हो, खांसी रहती हो, बलगम हो, ये सारी एलर्जी वाली ही चीज़ें हैं। तो एक तो यूँ समझ लें कि एक नुस्खा लिखना है आपको और वो उसी तरह खाना है जिस तरह मैंने बताया, और खट्टी और ठंडी चीज़ें 5-6 महीने के लिए छोड़ दें। नींबू, आम का अचार, ये सब चीज़ें 5-6 महीने के लिए छोड़ दें। और मैं अक्सर कहता हूँ कि निचोड़ा 100 ग्राम, निचोड़ा 100 ग्राम, और उन्नाव 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम। निचोड़ा 100 ग्राम, उन्नाव 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, इसको आप 100 100 ग्राम लें, उन्नाव की गुठली निकाल कर फेंक दें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं। पीपला मूल जिसे कहते हैं, हमारे किचन में होती है, तो इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाया करें, निहार मुझे जिसे कहते हैं, गर्म पानी या चाय से, और 1 चम्मच रात को सोते समय खाने से आपको 6-7 महीने इलाज करना होगा, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, राजस्थान से हैं सीमा खान हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी हकीम साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने आपके नुस्खे दिए, मुझे फायदा है। गठिया बादी थी मुझे, जो उसमें मैंने आपसे बोन सिया और नमक, जैतून, जैतून का सिरका और TKR और SKR कैप्सूल, TKR जी। वो लिए, तो उससे मुझे यूं फायदा है। बाकी उससे मेरे चेहरे पे सूजन आ रही है, लाल हो रहा है और सूजन आ रही है ठीक। जी। और मुझे थायराइड भी है, उसका मैंने अभी नहीं लिया। मैंने कहा पहले ये गठियाबाजी का हो जाए, उसके बाद में थायराइड का लेंगे, मुझे फायदा है। बाकी हर 8-15 दिन में दर्द की गोली खानी पड़ती है। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा देखिए, दवा को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे खाएं। अगर गौनसिया खाएं तो एक वक्त में गौनसिया ही खाएं, टी केयर या एस केयर ना खाएं, दूसरे वक्त में टी केयर खाएं या एस केयर खाएं। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग खाएं। जैसे सुबह को आप टी केयर खाते हैं तो दोपहर को गौनसिया खा लीजिए, और शाम को दूसरी दवा खा लीजिए। एक साथ ये सारी दवाएं ना खाएं, फ़र्क से खाएं, 4-4 घंटे के फ़र्क से खाएं, तो चेहरे की भी ठीक आपका हो जाना चाहिए और बहुत जल्द आपको पूरा फ़ायदा मुमकिन है। जी,